मैं कांके प्रखंड के प्रेमनगर में एक किराए के मकान पर, जहां एक नन 19-20 बच्चों को परवरिश कर रही है। वे असहाय बच्चे हैं जिनके माँ बाप उन्हें पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं। ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों को वह उनकी पढ़ाई लिखाई और खाने पीने की व्यवस्था कर रही है। अब क्या सोच करके इन बच्चों के लिए या तो फिर इनकी परवरिश करने की सोचे हैं? गरीब लोगों के लिए कहीं से कोई उपाय नहीं है, तो उनको देखकर मुझको दिल में यही लगा कि उनके लिए कुछ करना है। 17 बच्चों से शुरू किए थे वो, तो जब मैं सोसाइटी में थी उसी समय, लेकिन जब वहाँ से उन गरीब बच्चों के लिए कुछ करने के लिए हमको स्वतंत्रता नहीं थी, सोसाइटी में तो रह के आज्ञा पालन का व्रत लेने के कारण से हमको अपना ट्रांसफ़र जब दिया जाएगा तो हमको जाना ही पड़ेगा, किसी के हाथ में काम छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर उस प्रकार के लोग नहीं मिले जो कि इस प्रकार के काम को पर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो बेकार हो जाएगा। और आप इन बच्चों के लिए किस तरह से उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था कर रहे हैं? अभी तक तो इधर उधर से जो जानते हैं, इन बच्चों की कहानियाँ सुनते हैं, थोड़ा बहुत डोनेशन अपना जितना शक्ति है उसके अनुसार देने वाले हैं। काम से ही हम लोग रूखा सूखा बच्चे लोग खाते पीते हैं, लेकिन उसी से संतुष्ट रहते हैं। 5 साल गुजर गए, अभी छठवां 5 साल में हम सब छठवां जगह बदल चुके हैं, और उन स्थानों में वही होता है कि हम स्वतंत्र रूप से अपने काम को नहीं चला पा रहे हैं। कारण भाड़े के घर में तो मालिक की इच्छा अनुसार नहीं चले तो भी नहीं बनता। मैं चाहती हूँ इन्हें सरकारी अनुदान मिले, और सरकारी अनुदान मिलने से इन्हें स्थायी जगह मिल पाएगा। इसके लिए डीसी साहब को आवेदन दिया गया है, और आप सभी जो भी इस वीडियो को देखेंगे उन सभी से मैं अपील करती हूँ कि इन असहाय बच्चों के लिए जो कुछ मदद करने के लिए सक्षम है वे 8092441301 पर कॉल करके सिस्टर पुलोरा धान को संपर्क करें और सहयोग करें। मैं हूं निर्मला, रांची झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।